एक बात कह सकता हूँ कि मैंने विधानसभा चाहे विधायक बनने के बाद उसको पेशे के रूप में काम में नहीं लिया, मैंने उसको बिजनेस नहीं बनाया और गरीब को गणेश मानकर काम किया है, चाहे वो बिलों की झोंपड़ियों का काम हो और चाहे वो किसान जिसके पास 2 बीघा जमीन है उसका काम हो। और उसी आधार पर भगवान ने भी पूरी लाज रखी, बरसात भी खूब हुई, डैम भी भरे, अब डैम सूखे रह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं पाप का घड़ा फूटेगा। बिल्कुल। अभी अभी जितने बुजुर्ग लोग हैं ये तो एक एक जानते हैं, इनके साथ भी बहुत घूमा। आप हिम्मत से काम लें, वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए। एक दूसरा धनतेरस कौन सा अबू सावा है 23 तारीख को देवउठनी का, तो उसके आधार पर वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। इसका आप ध्यान रख लोगे बिल्कुल, तो पूरा पूरा बेड़ा पार है, कोई रोक नहीं सकता, कोई इधर उधर के गद्दारी को करना चाहे बिल्कुल। हम पार्टी के आधार पर लड़े, मैंने भी तो विधानसभा क्षेत्र छोड़ा है बिल्कुल साहब, कहा कि पार्टी के हित में है ये करिए, मैंने कभी आवाज नहीं उठाई बिल्कुल। थोड़ा सोचना चाहिए, मैंने ही तैयार किया है, कोई मेरा विरोध नहीं। सांवरिया सेठ की जय, और सांवरिया सेठ ही सद्बुद्धि देगा, आप सब लोगों को साथ लेकर, संगठन को साथ लेकर चले और काम करें, जितना सुधार कर सकते हैं अपनी तरफ से जितनी सेवा चित्र को दे सकते हैं वो करेंगे। निश्चित रूप मानिए, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।